हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने जैसा वादा किया था कल कि अगली जो हमारी वीडियो होगी वो डाउट क्लास पे होगी। डाउट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि कौन से वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो आपके द्वारा ही भेजे गए क्वेश्चंस हैं जो लॉकडाउन के बीच आपने भेजा है। मुझे लगता था ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने लिया है। 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, आप उसको ज़रा सा देखें, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके अच्छे अप्रोच क्या हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। सवाल ये कह रहा है कि इफ़ आई सेल अ हॉर्स फॉर ₹6200, यदि मैं एक घोड़े को ₹6200 में बेचता हूँ, एंड अ काउ फॉर ₹2600 और एक गाय को ₹2600 में बेचता हूँ, आई अर्न 10% प्रॉफिट, तो मुझे 10% का लाभ होता है। सवाल क्या कह रहा है, साथ साथ में लिखते चलते हैं। पहले सवाल ये कह रहा है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देख, एक हॉर्स है और उसके साथ एक काऊ है। हॉर्स के बारे में ये बताया है कि वो ₹6200 में बेचता है और इसको ₹2600 में बेचता है। ये दोनों इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को मैं SP लिखूँगा। तो ये इसकी क्या है, SP है, ये भी SP है। कह रहा है यदि एक घोड़े को ₹6200 और एक गाय को ₹2600 में जब बेचता है, तो दोनों की अगर मैं सेलिंग प्राइस पूछूं, तो आप बोलोगे कि दोनों की सेलिंग प्राइस मिला के ₹8800 होगा। दोनों की सेलिंग प्राइस 8800 होगा, और ये जब ₹8800 में बेचता है तो इसको 10% का प्रॉफिट होता है। अब 10% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई सामान अगर आप ख़रीदते हैं, किसी सामान का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर उसको आप 10% कमाना चाह रहे हैं, तो उसको आप 110 में बेचोगे, यानी कि 100 से 10 ज़्यादा में। अगर आपको 5% की हानि सहना है, तो आप 100 से 5 कम में बेचोगे, यानी 95 में बेचोगे। तो अगर इसको किसी को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान 10% पे नहीं बेचा जा रहा है, सामान को 100 से 10 ज़्यादा में बेचा जा रहा है, यानी कि सामान को 110% में बेचा जा रहा है। तो मैं पूछूं कि ये 8800 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, ये 110% के बराबर है। मैं पूछूं कि अगर दोनों की मिला के 8800 सेलिंग प्राइस है, अगर दोनों की मिला के मैं पूछूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो आप कहोगे कि 8800 है और वो 110% के बराबर है, तो इसका मतलब 100% तो कॉस्ट प्राइस रही होगी। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो इससे 100% निकालेंगे कैसे, पहले आप बातों को समझो। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 110% की वैल्यू, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, मैं पूछूँ 110% ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये किसके बराबर है, 8800 के। तो यहाँ से 100% अगर मुझे निकालना है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि 100% की जो वैल्यू होगी ₹8800/110, यहाँ से 1% आ गया। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100% आ जाएगा। तो दोनों की मिला के कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ₹8000 आ गई, दोनों की मिला के कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस दोनों की मिला के 8800 है, तो दोनों की मिला के कॉस्ट प्राइस जो कि कितने परसेंट के बराबर होगी, 100% के, कितना आ गया, ₹8000। अब सवाल में आगे देख ले रहे हैं, आगे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में आगे कह रहा है, पहले मैं आपको ये सवाल समझा दे रहा हूँ कि अगर एक घोड़े को ₹6200 में बेचा, गाय को ₹2600 में बेचा, तो दोनों का मिला के ₹8800 में बेच दिया, लेकिन इसकी ये सेलिंग प्राइस है, मैंने सोचा इसकी कॉस्ट प्राइस भी निकाल ली जाए, तो उसकी 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, 8000 आ गई, यानी कि दोनों के मिला के सेलिंग प्राइस 8000 आ गई। सवाल में आगे ये कह रहा है, इफ़ आई सेल अ हॉर्स फॉर ₹6000, यदि मैं घोड़े को ₹6000 में बेचता, एंड अ काउ ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, और गाय को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच देता, तो मुझे 12.5% का लाभ होता। अब सवाल में ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ₹6200 का न बेचता,
अगर इसको मैं 6,000 रुपये में बेचता और इसको उसके क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को मैंने बताया कि मैं सीपी लिखूंगा, सीपी पे बेच देता, यानी जितने में ख़रीदा उतने ही में बेच देता, लेकिन नहीं पता कितने में ख़रीदा। तो कह रहा है कि यहाँ से जब बेचता तो 12.5% का लाभ होता। यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है कि कितने में बेचता, क्योंकि यहाँ की कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, नहीं तो दोनों को ऐड कर देते तो पता लग जाता। तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। या उससे पहले आप एक चीज़ समझो कि जो भी 12.5% कमा रहा है वो किस चीज़ पर कमा रहा है? क्रय मूल्य पर कमा रहा होगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस है कितनी? 8,000। अगर मैं इसका 12.5% निकालूं तो 12.5% या तो 8,000 का गुणे 12.5% बटे 100, या तो 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8 होती है। तो इसका अगर मैं 1/8 करूं, इसका अगर 1/8 करूं तो आता है 1,000। देखो आप यहां से 8,000 गुणे 1/8, इसका मतलब 1,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर सामान 8,000 का है और 1,000 रुपये का फ़ायदा हो गया तो सामान 9,000 रुपये का बेचा गया होगा। अब सामान को 9,000 रुपये में बेचा गया होगा और आपको अच्छे से ये बात पता है कि ये 6,000 है और इसमें ये कुछ ऐड हुआ होगा, मिला के 9,000 हुआ होगा। तो आपसे पूछो कि यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा, तो आप बोलोगे 6,000 प्लस 3,000 मिला के 9,000। तो यहाँ पे इसकी सीपी कितनी आ गई? 3,000 रुपये। तो अगर आपसे पूछा है कि, सवाल क्या पूछा है पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों की कॉस्ट प्राइस पूछा है या दोनों की सेलिंग प्राइस पूछा है। सवाल ये कह रहा है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, दोनों की लागत मूल्य बताएं। दोनों की लागत मूल्य का मतलब आपने काउ की तो लागत मूल्य निकाल लिया सीपी 3,000 रुपये। मैं आपसे पूछूं कि हॉर्स की सीपी क्या होगी तो आप 8,000-6,000 नहीं बताओगे, क्योंकि ये तो इसकी एसपी है। अगर पूछूं कि इसकी सीपी क्या होगी तो आप बोलोगे कि एक चीज़ मुझे पता है कि दोनों की मिला के 8,000 रुपये। अगर उसमें से एक 3,000 का है तो दूसरा ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 6,000 रुपये, 5,000 रुपये का सॉरी, ताकि दोनों मिला के 8,000 हो जाए। तो ये घोड़े की कॉस्ट प्राइस आ गई और ये काउ की कॉस्ट प्राइस आ गई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लगातार एवरेज से होगा, पहला और दूसरा दोनों, और दोनों ही एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, लेकिन जो दूसरा वाला सवाल होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका और आने की उम्मीद भी रहेगी। पहला ये सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है आपके सामने, ये सवाल आ रहा होगा। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया, परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा। जैसे सवाल ये कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी थे किसी क्लास में और उसका पहले हमने औसत देखा तो वो 50 दिखा हमको, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई कुछ नंबर में। उसमें 100 लड़कों का ऐसा निकाला गया कि उनके नंबर तो 90 थे लेकिन गलती से उसके 60 कर दिए गए। तो उसके आगे क्या कह रहा है, तथा उससे अंकों का औसत 45 रह गया, यानी पहले 50 था और अब 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताओ। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या आपसे पूछा है। मैं आपसे पहले पूछूं कि औसत का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे औसत का मतलब बराबरी का बंटवारा होगा, सबको इक्वल अमाउंट में हर चीज़ बराबर बराबर दे दो, यही औसत है, इससे ज़्यादा औसत कुछ है नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं सवाल शुरू कहाँ से करना है, तो आप बोलोगे पहले औसत 50 था। ये बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पहले औसत 50 था, 50 और 100 लड़के ऐसे थे जिनके नंबर तो 90 थे लेकिन उनको कर दिया गया 60। मैं पूछूं पर स्टूडेंट कितना कम किया गया, तो आप बोलोगे पर स्टूडेंट 30 कम किया गया। क्या एक स्टूडेंट का इतना किया गया 30, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो 100 स्टूडेंट के साथ हुआ। मैं पूछूं सम यानी कि टोटल कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे अगर एक का 30 कम है, अगर एक का 30 कम है तो 100 लोगों का, तो टोटल नंबर जो कम हुआ वो कितना हुआ, 3,000 कम हुआ।
टोटल नंबर 3000 कम हुआ, जिससे जो पहले औसत 50 का था अब वो सिर्फ 45 रह गया और ये वाला नया औसत है। मैं पूछूं कि सबकी पॉकेट में पहले 50-50 रुपए थे, अब सबकी पॉकेट में 45-45 हो गए, ये 5 कहाँ गए? तो आप बोलोगे यही 3000 कम हुआ सबकी पॉकेट से, 3000 में से 5-5 निकले होंगे। अगर सबकी पॉकेट से 5-5 निकले होंगे और 3000 निकल गए तो टोटल निकला कितना? तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाई 5, 600 लोगों की पॉकेट से इतना निकला, यानी कि 600 स्टूडेंट्स रहे होंगे। ठीक, हाँ, तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे कि ये सवाल कई बार एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस में आ चुका है और आगे ऐसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान है। इस सवाल को देखिएगा क्या अप्रोच हो सकती है इस सवाल की। सवाल ये कह रहा है, सवाल देखें कि अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर्स, एक छात्र 10 द्वि अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाई कॉपिंग नंबर्स बाई मिस्टेक ही राइट्स वन नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज्ड। संख्या को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हिज आंसर इज 1.8 लेस देन द करेक्ट एवरेज। परिणाम तो उत्तर सही औसत से 1.8 कम प्राप्त होता है और द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन विच ही मेड द मिस्टेक इज। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्या में उसने गलती की। सवाल क्या कह रहा है, पहले आप सवाल को समझ लीजिए कि 10 संख्याएं हैं और सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्या है, जैसे कि 45-54 2 अंक की संख्या आप समझ सकते हैं। तो 10 संख्याएं और उसका औसत कुछ है, जैसे मैं मान ले रहा हूँ उस संख्या, कुछ भी मैं मान ले रहा हूँ कि उस संख्या को ये कह दे रहा हूँ कि ये संख्या, अगर एक संख्या पहली T1 है, 2 अंक की ये संख्या है पहली, और अगर मैं इसका औसत निकालूं तो औसत का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है, पदों की संख्या। ठीक, तो अगर मैं औसत निकालूं तो सभी संख्याओं का मुझे योग करना होगा और बटे में कितनी संख्या है और उससे औसत आ जाएगा। पहली संख्या T1, दूसरी संख्या T2 और ऐसे ही चलते चलते। मैं आपसे पूछूं कि 9वीं संख्या कौन सी होगी तो आप बोलोगे T9 होगी। ठीक, 10वीं संख्या अगर मैं पूछूं कि 10वीं संख्या कौन सी तो आप बोलोगे 10 द्वि अंकीय संख्या है, यानी कि 2-2 अंक की संख्या है। अगर मैं इसको x और y के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप कह सकते हो कि 10x प्लस y, 2 अंक संख्या को, 2 अंक की संख्या को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं x और y के फॉर्म में। अगर ये संख्या 3 अंक की होती तो आप कहते 100x प्लस 10y प्लस z। फॉर एग्ज़ाम्पल एक संख्या मैं ले रहा हूँ 54। अगर इस संख्या पे पूछूँ ये कौन सा है तो आप बोलोगे ये इकाई का है, यूनिट डिजिट है, और ये वाला दहाई का है, यानी कि 10th डिजिट है। ठीक, अगर पूछूँ कि ये संख्या को अगर रिप्रेजेंट मुझे करना है तो आप कहोगे कुछ नहीं, ये 5×10 दहाई के स्थान पे आइए और प्लस 4। इस तरीके से हम कर सकते हैं 10×5=50 और 4×54। ठीक, इसी तरीके से अगर हमको 2 अंक की संख्या लिखनी है तो पहली 10x प्लस y पे करनी होगी। ठीक, तो 10वीं जो संख्या मैं मान ले रहा हूँ इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहीं पे ये गलती हुई है, एक संख्या में गलती हुई है जो पलट जा रहा है। ठीक, 10 संख्याएं हो गई, चूँकि मुझे औसत निकालना है तो मैं डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, 10 संख्याएँ, जिससे मैं मान ले रहा हूँ कि कुछ औसत आ रहा होगा। ये रियल एवरेज है, वास्तविक औसत ऐसा निकल रहा था, लेकिन कह रहा है कि जब इसको मैंने देखा कि जब संख्या को T1 प्लस T2, वही 10 संख्या 9 तक तो मैं लिख दे रहा हूँ T9, और जो एक संख्या है इसके अंक पलट जा रहे हैं, यानी कि ये इधर चला जा रहा है और ये वाला इधर आ जा रहा है, इसका मतलब 10y प्लस x। और अब इन 10 संख्याओं का जब मैं औसत निकालता हूँ डिवाइडेड बाय 10, तो कह रहा है कि जो पहले औसत आता था, पहले कितना आता था, मैंने मान लिया कि xyz a मान लिया था यहाँ पे, तो उस वाले औसत से अब कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 1.8 कम आ रहा है। ठीक,
इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। इस संख्या को 10 है तो 10 को इधर आप भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 अगर इधर चला जाएगा तो ये 10 ए हो जाएगा, 10 गुणे ए। ठीक, अगर इस 10 वाले को ए को इधर भेजूँ तो ये 10 चला जाएगा, 10 ए ये हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, अब बड़ा ध्यान से इस बात को समझना कि अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से घटा देता हूँ, पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले को घटा देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये जो टी वाला फॉर्मेट है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा टी वाला, टी नाइन तक ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो 10xx यानी कि 9x और यहाँ पे हो जाएगा -9y। ठीक, और बराबर हो जाएगा ये 10a से 10a चला गया 18 हो जाएगा। डिफरेंस है तो इस वजह से अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता, बड़े में से छोटा घटाना ही अंतर होता है। ठीक, अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे एक्स माइनस वाई बराबर 18, तो एक्स माइनस वाई यही तो दोनों संख्याओं का अंतर है, एक्स माइनस वाई बराबर 18/9 यानी कि 2, यही इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा। ठीक, पहले एक बार और समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याएं सभी 2 अंक की संख्या है, मैंने टी संख्या मान लिया, जो टी है सारी संख्याएं 2-2 अंक की हैं और T1 भी 2 अंक की है, T2 भी और T9 तक सभी 2 अंक की संख्या है। दसवीं संख्या को अपने फॉर्मेट पर रहने दिया मैंने 10x+y और सभी 10 संख्याओं का औसत मैंने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया था, तो और कुछ औसत मान लिया था, A मान लिया था। ऐसा कह रहा है जब इसी संख्या में एक संख्या, जब ये वाली संख्या को मान लिया एक संख्या, तो ये संख्या को जब पलट देते हैं तो यहाँ से 10y+x और संख्या 10 रहती है तो डिवाइड अभी भी 10 से कर रहा था, जिससे पहले वाले औसत से 1.8 कम आ रहा था, फिर मैंने 10 को उधर भेज दिया अपने आसानी के लिए, इससे क्या हुआ ये 10a बन गया, ये 10a माइनस 1.8 हट गया, 18 बन गया। ठीक, पहले वाली इक्वेशन से मैंने दूसरी वाली इक्वेशन घटा दी, इससे क्या हुआ टी वाला फॉर्मेट चला गया, यहाँ से 9x-9y = 18 बचा और x-y = यहाँ से आ गया 2। आप सपोज़ करें ये एग्ज़ाम में आपके सवाल आया तो आपको इतना कुछ नहीं करना होगा एग्जामिनेशन में, आपको बस ये देखना है कि कितने का अंतर क्या दिया है। संख्या 10 पे ही पूछेगा जब भी, अगर 15 पे भी पूछेगा, 20 पे भी पूछेगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 10 पे पूछता है, अब तक जितना भी एग्जामिनेशन में सवाल आ चुका है वो सभी 10 पे आया है अब तक और आगे भी वही आने की उम्मीद है, लेकिन मैं 15-20 पे भी सवाल करा दूंगा, लेकिन अभी 10 वाले पे कभी ऐसा सवाल आता है, जैसे सवाल ये बोल रहा था कि 1.8 कम हो जाता है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1.8 कम हो जा रहा था। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, वो 10 से गुणा ही मैं कर रहा हूँ, पॉइंट हटा के 9 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर ये सवाल ये कह रहा है कि 1.8 कम था, अगर बोल दे आगे कभी कि 2.7 कम हो, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट हटा के 9 से भाग दे देना, आंसर कितना आ जाएगा 3। अगर कभी आगे सवाल आ गया कि 5.4 कम है, तो आपको 0.5 हटाना है, 9 से भाग देना है, 6 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ चुके होंगे कि कभी भी इस तरह का सवाल आए तो पॉइंट हटा के, 10 वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, पॉइंट हटा के सीधा 9 से भाग लगा देना है, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि अंतर ही पूछता है ऐसे सवालों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से है और ये सवाल एसएससी सीजीएल के मेंस में आ चुका है और जब से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सवाल क्या है, पहले सवाल की भाषा को देखें। सवाल ये कह रहा है कि 2 persons ए एंड बी स्टार्टेड अ वर्क, 2 व्यक्ति ए तथा बी कार्य की शुरुआत करते हैं, आफ्टर 10 days बी लेफ्ट द वर्क, 10 दिनों बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, 2 days आफ्टर बी लेफ्ट सी ज्वाइन ए, 2 दिन बाद सी ए के साथ कार्य में जुड़ जाता है, एंड टोटल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन n डेज, और पूरा कार्य n दिनों में समाप्त होता है। पहले इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ, सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैं ये मान ले रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा टोटल कुछ काम रहा होगा, xyz कुछ भी काम रहा होगा, और ये टोटल काम करने में जो हमको दिन लगा है, दिनों की बात करें तो n डेज लगा है। ठीक, दिनों की बात करें तो n डेज लगा है। शुरुआत कह रहा है कि ए और बी दोनों लोग मिलके करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। अगर ए और बी शुरुआत कर रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से कार्य शुरू कर रहे हैं, दो लोग ए और बी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये काम बस 10 दिनों तक साथ में मिलके कर रहे हैं, सवाल में ऐसा ही बोला है,
कि 10 दिन तक कार्य शुरुआत कर रहे हैं, 10 दिन तक काम मिलके कर रहे हैं। मैं मान ले रहा हूँ यहाँ तक काम हो गया 10 दिनों में। अब यहाँ से बी कार्य छोड़ दे रहा है, बोल रहा है कि बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज सी ज्वाइन ए। तो अगर यहाँ से बी अगर लेफ्ट कर रहा है तो यहाँ से आगे का 2 दिन का काम सिर्फ ए करेगा, सिर्फ ए करेगा। कितने दिन? 2 दिन। उसके बाद इसके आगे का काम इसके साथ सी जुड़ जा रहा है, इसका मतलब ए और सी दोनों कर रहे हैं और काम को ख़त्म कर रहे हैं। ये डेटा नहीं पता कि यहाँ पे कितना दिन काम हुआ है, लेकिन ये हमको पता है कि यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और दो लोग शुरुआत कर रहे हैं, ए और बी दोनों लोग मिल कर रहे हैं और 10 दिनों तक काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने मान लिया यहाँ तक 10 दिन का काम हुआ। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। अगर बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है तो यहाँ से सिर्फ ए करेगा, लेकिन ए सिर्फ 2 दिन तक कार्य कर रहा है। तो 2 दिन तक मैंने कहा कि अकेला काम किया, उसके बाद सी उसके साथ आ गया और काम इन दिनों में सब खत्म किए, टोटल काम इन दिनों में समाप्त हुआ। आगे सवाल क्या कह रहा है? ईच पर्सन्स कंप्लीट एंड इक्वल शेयर ऑफ वर्क, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया काम बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी ने बराबर काम किया। अगर 3 लोग हैं, सभी ने बराबर काम किया, तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 तिहाई ने काम किया, 1/3, 1/3 करके, ठीक। और फर्दर मोर इट इज़ नोन दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन एन डेज। बाद में ये भी पता लगता है कि अगर इस काम को ए और बी मिलकर भी किए होते तो वो एन दिन में ही समाप्त होता। जितना दिन यहाँ पे लगा है उतने ही दिन ये दोनों ए और बी मिलकर भी कर सकते थे। तो आपसे पूछा है कि सी को अगर वही काम दे दिया जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब सवाल शुरुआत कहाँ से करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। मैं कहता हूँ इस तरह के सवाल में शुरुआत आप वहाँ से करो जिसका काम फिक्स हो, जिसका दिन फिक्स हो। जैसे मैं आपसे पूछूँ क्या ए का दिन फिक्स है कि कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे ए ने जो काम किया यहाँ 10 दिन किया, यहाँ 2 दिन किया, लेकिन यहाँ का डेटा नहीं पता, ए का दिन फिक्स नहीं है, हमारे सामने डेटा नहीं है। सी के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे सी सिर्फ इतने दिन काम किया, इसका डेटा नहीं है। लेकिन जैसे मैं पूछूं बी का तो आप बोलोगे बी ने सिर्फ इतने ही दिन काम किया है, यहाँ का डेटा है। तो शुरुआत बी से ही हम करेंगे, ठीक। शुरुआत बी से करेंगे और मैं पूछूं कि बी ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे बी ने 10 दिन काम किया। 10 दिन में क्या किया, तो आप बोलोगे 1/3 काम किया। अब ये 1/3 कहाँ से आया, तो आपके क्वेश्चन में ही ये कह रहा है कि सभी ने बराबर बराबर काम किया, ए बी और सी 1/3, 1/3, 1/3। अगर बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया तो 10 दिन में ही 1/3 काम कर लिया होगा, तभी इसका 1/3 काम हो गया। अगर फिर पूछूँ कि ए और बी मिलकर करते तो एन दिन में ख़त्म कर लेते, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर ले रहा हूँ। अगर ए भी एन दिन तक काम करता और उसके साथ साथ बी भी एन दिन तक काम करता, ठीक है, तो ये काम समाप्त हो जाता। और एक डेटा ये पता है कि ए के बारे में आप देखोगे कि ए यहाँ से लेकर यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एन दिनों तक था वो पूरा का पूरा। और ए एन दिन तक कितना काम किया, तो आप बोलोगे ये भी 1/3 किया होगा, एन दिन तक किया काम, 1/3 किया होगा। अब बी की बात आती है, बी का आप एक चीज़ देखोगे कि अगर दोनों को मिलके काम को कंप्लीट करना है, दोनों मिलके एन दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो अगर ये 1/3 किया तो ये 2/3 कर रहा होगा, तभी काम कंप्लीट होगा, 2/3 काम बचा था, ठीक। अब ज़रा यहाँ पे आओ देखो आप कि अगर बी 10 दिनों में 1/3 कर रहा है, बी 1/3 काम 10 दिनों में कर रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, तो बी वही 2/3 काम क्या 20 दिनों में नहीं करेगा? अगर 1/3 काम 10 दिनों में कर रहा है तो 2/3 काम 20 दिनों में करेगा, यानी कि इसका 2/3 का काम, n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20 डेज। अगर n की वैल्यू 20 डेज आ गई तो n यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो गया, 20 दिन हो गया। अगर ये n 20 दिन हो गया तो यहाँ पे 10, ये 2 और मिला के 12, बचा कितना 8, ये कितना हो गया 8 दिन। अगर मेरे से पूछा होता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहते कि पूरा काम 20 दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है। लेकिन मेरे से ये पूछा है कि अगर इसी काम को सी द्वारा कराया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा।
अगर सिर्फ सी करें तो, सिर्फ सी करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? अब जरा आप सोचो, सी ने कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सिर्फ 8 दिन किया। मैं पूछूं 8 दिन में क्या किया, तो आप कहोगे 8 दिन में, सी के बारे में बता रहा हूँ, सी 8 दिन में भी ये भी एक बटे तीन काम किया होगा, 8 दिन में 1/3 काम किया होगा। मैं पूछूं अगर इसको पूरा काम कराना हो, पूरा काम, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, पूरा काम कराना हो तो 8 × 3 24 दिन लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ इस सवाल को कि सवाल क्या है। जैसे आपने शुरुआत की थी कि कोई काम था, मैंने यहाँ से यहाँ तक काम मान लिया था और आपसे कहा कि ए और बी शुरुआत कर रहे हैं, ए और बी ने शुरुआत किया, 10 दिन तक इन्होंने काम किया, 10 दिन तक ए और बी मिलकर काम किए, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, यानी ए ने आगे का काम किया, आगे 2 दिन तक काम करने के बाद उसके साथ सी जुड़ गया, यानी कि अब हो गए ए और सी आगे काम खत्म किए, टोटल काम एन दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, एन की वैल्यू पहले निकालने के लिए हमने ये कहा कि काम वहाँ से शुरू करो जिसका दिन फिक्स हो। बी का दिन फिक्स था, मैंने कहा 10 दिन काम किया तो 10 दिन में 1/3 किया होगा क्योंकि सभी ने बराबर बराबर किया था। अब बात यह थी कि ए और बी मिलकर भी करते तो एन ही दिन में खत्म होता, यानी ए और बी दोनों एन एन दिन तक काम करते तो ये काम पूरा कंप्लीट हो जाता। और ए के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ये थी कि ए ने पूरा एन दिन काम किया, तो अगर ए ने पूरा एन दिन तक काम किया तो 1/3 काम किया होगा, ठीक है, क्योंकि सभी ने बराबर किया। तो अगर पूरा काम कंप्लीट ही कराना था दोनों से तो इसको 2/3 करना होगा, यानी ये एन दिनों में 2/3 करेगा। अब बी के बारे में मैंने कहा कि 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो 2/3 काम करेगा 20 दिन में, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे 20 रही होगी। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई तो 10 × 2 = 12 यहाँ पे बचा हुआ वर्क, बचा हुआ डेज 8 हो गया, यानी टोटल 20 हो गया। ठीक, अगर पूछता कि कुल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ तो आप 20 दिन कहते, लेकिन आपसे पूछा सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो मैंने कहा सी सिर्फ 8 दिन काम किया था तो 1/3 कर लिया था। अगर 1/3 काम 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम आपका 3 से गुणा हो जाएगा जाके, यानी कि 24 दिन। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी जो भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, वो सारे के जवाब दिए जाएंगे।